गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आई हूँ बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो यह मेरे बेटे का स्कूल, तो स्कूल ड्रॉप करके और भी एक जगह जाना है। और इधर मॉर्निंग में बहुत ठंड हवा चलते है, इसलिए स्कार्फ लगाना ज़रूरी है। कान ढक के स्कूटी चलाना पड़ता है, नहीं तो ठंड लग जाते हैं। और मॉर्निंग में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो ड्रॉप करना स्कूल में और शॉपिंग करना, ये बहुत बड़ा काम है। और बेंगलोर इसरो का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। और ये है इसरो लेआउट, जो इसरो में काम करते हैं वो लोग इधर रहते हैं, मतलब इसरो से उनको जगह मिला है और बिल्डिंग बना के इधर रहते हैं। तो इसरो लेआउट बहुत ही फेमस जगह है, और इसरो लेआउट में ही है, देखिए स्टार बाज़ार, तो उधर मैं आई हूँ। हर बुधवार स्टार बाज़ार में अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, इसलिए हर बुधवार या बीच बीच में भी मैं आते रहती हूँ स्टार बाज़ार पे। और देखिए लोकेशन आसपास का बहुत ही सुंदर है, हरियाली बहुत है, इसलिए बेंगलुरु को ग्रीन सिटी की नेचुरल ऐसी सिटी ये बोलते हैं। तो कुछ सब्ज़ी और फ्रूट्स मुझे ख़रीदना है, और भी कुछ चीज़ ख़रीदना है, तो साथ रहिए। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से बस सपोर्ट देते जाइए, और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग करने जाते हैं कुछ सोच के, और जब घर आते हैं तब कुछ और ही शॉपिंग करके लेके आते हैं। मगर जो ख़रीदना है वो तो हम ख़रीदते ही है, उसके साथ जो मतलब ज़रूरत ज़्यादा नहीं है वो भी हम ख़रीद के लेके आते हैं। कि दोस्तों, भर भर के देखिए शॉपिंग किया, जगह ही नहीं है, देखिए पैर रखने का जगह ही नहीं है। तो वीडियो देख के सबको पता चलता है हम पूरा दिन कितने काम करते हैं। ये तो मॉर्निंग से शुरू हुआ है, रात तक चलेगा, तो हमसे वीडियो ही नहीं बनाते हैं, हम घर का काम भी करते हैं। तो एक हफ्ते का बाज़ार हो गया है, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आज बुधवार था, और स्टार बाज़ार में बहुत सस्ते में मिलते हैं, आज प्राइस बहुत सस्ता होता है। तो मैं हर वेडनेसडे ही मैं जाती हूँ स्टार बाज़ार। और अभी काम है, और एक काम है, तो अभी और एक काम बाकी है, वो है फ्रिज में इसको ठीक ठाक रखना। एक हफ्ते का बाज़ार है, तो बाज़ार करके ले आना, फिर इसको फ्रिज में सेट करना। तो सभी काम में मेहनत लगते हैं, ऐसे कोई भी काम ऐसे ऐसे नहीं हो जाते, हर एक काम के लिए मेहनत लगते हैं, है ना। तो चलिए फ्रिज में इसमें सेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो पे और एक चीज़ दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से जो सॉफ्ट टॉयज़ है सबके घर में रहते हैं, और छोटे बड़े सबको ये सॉफ्ट टॉयज़ पसंद है, मगर ये बाहर रहते हैं और यूज़ करते करते ये बहुत गंदा हो जाता है, डस्ट जम जाते हैं। देखिए बिल्कुल गंदा हो गए हैं, तो आज मैं दिखाऊँगी बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे घर में क्लीन कर सकते हैं विदाउट हैंड, कोई हाथ नहीं, बस ऐसे हम क्लीन करेंगे, और बहुत इजी प्रोसेस है। और हम डरते हैं कि इस तरह से हम अगर क्लीन करें तो सॉफ्ट टॉयज़ ख़राब हो जाएगा, तो सॉफ्ट टॉयज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और अब हो सकता है आपने किया है, तो मैंने भी किया है बहुत बार, और मैंने सोचा ये आपके साथ मैं शेयर करूँ, आपको पता नहीं तो पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने डाल दिया है वॉशिंग मशीन में, और इसको मैंने साफ से बिल्कुल नहीं, डिटर्जेंट से बिल्कुल नहीं क्लीन करूँगी। तो आपके पास जो भी है, मेरे पास पैंटीन है, जो शैम्पू होते हैं, तो एक साथ तो नहीं होगा, मुझे दो तीन बार वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं सॉफ्ट टॉयज़, और एक ही बार में मुझे एक ही पैकेट में हो जाएगा। आप चाहे तो आप दो पैकेट भी दे सकते हैं,
और इसको मैं दो बार वॉश करूँगी, पहले शैम्पू से फिर सिंपल वाटर से। तो चलिए देखते हैं, इस पानी भरने के बाद इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये स्टार्ट कर दिया है, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया है। वाटर लेवल मैक्सिमम रखना है। अभी इसमें ऐड करते हैं इस शैम्पू को, देखिए ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब एक साथ ज़्यादा चॉपरा साथ आप मत डालना, क्योंकि तो ये मूव नहीं कर पाएगा, क्लीन नहीं होगा, ठीक है। बीच बीच में ऐसे करना, क्योंकि बहुत बड़ा भी है एलिफेंट है, देखिए कितना बड़ा एलिफेंट है। सब बहुत आराम से क्लीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है, मगर आप एक साथ ठूस ठूस के ज़्यादा मत देना, ये मूव कर पाए इतना जगह ज़रूर खाली रखना है, ठीक है। और एक ही शैम्पू काफ़ी है, ठीक है, सॉफ्ट है, ज़्यादा तो ऐसा तो मतलब ज़्यादा तो गंदा नहीं होता, डस्ट इसमें हो जाते हैं तो बहुत आराम से क्लीन हो जाते हैं। और शैम्पू देने से क्या होता है, इसका जो ग्लेज है सॉफ्ट वाइज सॉफ्ट भी रहता है और उसका ग्लेज भी अच्छा रहता है, मगर डिटर्जेंट में थोड़ा डाल हो जाता है, मैंने देखा है। और उसके बाद कैसे ड्राई करना है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो मेरे बैल्कनी में थोड़ा सा ही धूप आते हैं, तो उसमें मैंने इसको रख दिया है और सेकेंड टाइम वॉश कर रही हूँ, क्योंकि एक बार तो नहीं होगा, और सेम उसी तरीके से धूप में ही सुखाना है। और अगर आप चाहे तो धूप में भी नहीं दे सकते, पंखे के नीचे आप रख दें, ये छाए पे रख दें तो भी ये सूख जाएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ही 80% ड्राई हो जाते हैं। तो देखिए अभी शाम के टाइम है और ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं, देखिए ये देखिए, और ड्राई भी हो गए हैं। तो धूप तो नहीं था मगर हवा से ही एक ड्राई हो गया, और बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा था वैसे ही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय।